दोस्तों नमस्कार, बात करते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अंतर्गत वैकेंसी निकाली है, लेकिन दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो कल है 14/10/2021। और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कोई लेट नहीं है दोस्तों, आप अभी से दोस्तों को शेयर कर दें, आपके ग्रुप में जो भी है, फ्रेंड फैमिली में जो भी NM में है, क्योंकि दोस्तों एक दिन का समय भी बहुत होता है, पर ये दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, बस ये एक इशू आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म सबमिट, अंतिम तारीख 14/10/21। दोस्तों मैं लिंक देर से चेक कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी आपको बताने के लिए। आप देख सकते हैं आप स्क्रीन में पहले 12/10/2021 का भोपाल से प्रकाशित पत्रिका पढ़ें, फिर फॉर्म भरें। अब दोस्तों इसमें फॉर्म में जो जानकारी दी है, यदि आप कोई भोपाल जाना चाहता है तो आज ही रात निकले या तो सुबह 10-11 बजे तक पहुँच जाए और सारी जानकारी के साथ फॉर्म भर सकता है, NM के लिए है। और आगे बात करें तो आप यहां स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक NHM HR Cell 01/4/05/2021 दिनांक 27/9/2021 के द्वारा COVID-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड टीकाकरण को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल को 50 अतिरिक्त मानव संसाधन NM को निम्न निर्धारित मापदंडों एवं मासिक मानदेय के आधार पर अस्थायी 89 दिन के लिए दिवस के लिए 28/12/2021 तक प्रदान की गई थी, जिसका विवरण इस प्रकार है। NM और योग्यता दोस्तों, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण महिला, स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त एवं नर्सिंग काउंसलिंग का जीवित पंजीयन होना चाहिए। पद की बात करें तो टोटल 50 पोस्ट हैं और 12,000 मानदेय सैलरी रहेगी। अब यदि कोई उम्मीदवार भरना चाहता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इच्छित उम्मीदवार बाकी इंटरव्यू में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव, प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज, प्रशिक्षण तथा इनका स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करने हेतु साथ लेकर आएँ। पूर्व में जमा किए हुए समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों का स्क्रूटनी में पात्र आवेदकों के चयन आदेश की सूचना कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। अब दोस्तों यदि कोई फॉर्म भरने जा रहा है तो वही लोकल ही पता मिल पाएगा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन कोई अपडेट नहीं मिलेगा। चयनित आवेदकों को आदेश प्रकाशन के 3 दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दिवस उपस्थित देनी होगी। दस्तावेज अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग का अस्थायी जीवित पंजीयन और अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करना होगा। किसी भी प्रकार के दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक को पात्र नहीं माना जाएगा। COVID-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आय एवं वर्ग के मानकों को शिथिल किया जाता है। सभी 21 से 45 वर्ष के आय एवं वर्ग के पदानुसार पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, संचालित स्वास्थ्य सेवाएं का पत्र क्रमांक ID 25/3/2020 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक NHM HR Cell 1/21 दिनांक 27/9/2021 के परिक्षेप में दिनांक 28/12/2021 तक के लिए नियुक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित के लिए नौकरी के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। यह अस्थायी नियोजन COVID-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अनुबंध आधार पर किया जा रहा है। आवेदक को चयन पश्चात नियुक्ति के समय ₹500 का अनुबंध का व्यय स्वयं करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट हायर सेकेंडरी 10+2 के प्राप्तांकों के अनुसार तैयार की जाएगी। चयन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। कार्यालय को बिना किसी कारण बताए किसी भी समय इस विज्ञप्ति को आंशिक रूप से परिवर्तन या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। स्थिति में केवल न्यायालय भोपाल मान्य रहेगा। बाकी इंटरव्यू प्रपत्र जमा करने का स्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दिनांक 14/10/2021 समय 10 बजे से 2 बजे तक निर्धारित प्रपत्र को ही हो। कलेक्टर सा अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित। धन्यवाद दोस्तों, आगे देख लेते हैं फॉर्म किस प्रकार से रहेगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फॉर्म बना रहेगा COVID-19 है तो अस्थायी नियोजन आवेदन पत्र का प्रारूप, तो यहाँ पर दोस्तों NM के लिए पद है, पोस्ट है जो कि निकाली गई है।
और यदि आपको दोस्तों ये लिंक चाहिए तो कमेंट करके वीडियो में हमसे ले सकते हैं, और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें जो लोग अभी एनएम में हैं, ताकि वो फॉर्म भर सके फटाफट और वो अपना ज्वाइन ले सके। दोस्तों हो सकता है एनएचएम के थ्रू आगे आपको बढ़ा दी जाए, तो वीडियो को देखते हुए शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।